वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एच आर एस बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। बेस शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ मुख्य अपडेट्स हैं। इन अति आवश्यक कार्यों की डायरी समस्त शिक्षक एआरपी शंकु शिक्षक शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक साथी ध्यान दें और इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। क्या तैयारी आपको अपने विद्यालय स्तर पर करनी है? समग्र शिक्षा प्रकोष्ठ डिपार्टमेंट से यह बिंदु महत्वपूर्ण है। अति आवश्यक कार्यों की एक डायरी बना लें और समस्त एआरपी शंकु शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षकगण ध्यान दें। पहला बिंदु, नौ साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत वॉलंटियर और निरीक्षरों का चिन्हांकन कर सूची की और बीआरसी पर प्रेषित करें। दूसरा, शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन विद्यालयों में करना तथा शारदा पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की फीडिंग करवाना। तीसरा बिंदु साथियों, को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना तथा बीआरसी में आशा का प्रमाण पत्र जमा करें कि को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र का 5 से 6 वर्ष का कोई बच्चा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शेष नहीं है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों के काफ़ी ऐसे विद्यालय हैं जिनका को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र भी है और प्रेरणा पोर्टल पर 5 से 6 वर्ष के बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो यह प्रमाण पत्र भी बीआरसी पर आपको प्रेषित करना होगा। तो इससे आप पहले रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें प्रेरणा पोर्टल पर कि इन बच्चों का है या अभी शेष है, तो ये कंप्लीट करवा लें। इसके पश्चात हमारे शिक्षक शिक्षक विवरण बोर्ड को प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से 2.5x4 फीट के लकड़ी लोहे के फ्रेम पर लगवाना सुनिश्चित करें। दूसरा, ये हमारे शिक्षक का है। कुछ दिनों पहले स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय ने निर्देश जारी किया था कि 2.5x4 फीट का आपका हमारे शिक्षक शिक्षक बोर्ड बनाना है, तो ये लगभग सभी विद्यालयों ने बनवा लिया होगा, नहीं बनवाए हैं तो ये बनवा लें। पाठ्यपुस्तक वितरण 2022-23 की लाभान्वित छात्र संख्या को प्रेरणा पोर्टल पर फीड कराएं। जो भी पाठ्यपुस्तकें आपके विद्यालय में वितरित की गई हैं सत्र 2022-23 की, तो लाभान्वित छात्र संख्या जिन बच्चों को वितरित की गई हैं उनको प्रेरणा पोर्टल पर फीड कराने का भी ये विद्यालय स्तर से सुनिश्चित करें। विकासखंड के 100% संकुल शिक्षकों का संकुल शिक्षक प्रेरणा ऐप को अपडेट कर DCF भरें। AARP संकुल शिक्षकों से व्यक्तिगत संपर्क 100% DCF भरवाना सुनिश्चित करें। छठवां बिंदु, सातवां, समस्त प्राथमिक विद्यालयों में विद्या ज्ञान स्कूल के प्रवेश फार्म अधिकाधिक संख्या में 15 नवंबर तक पूर्ण कराएं। यदि ये पसंद आ रहे हो साथियों जो निर्देश हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी शिक्षकों द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में निहित शिक्षण योजनाओं यानी 22 सप्ताह के अनुरूप शिक्षण कार्य किया जाए। जो भी आधारशिला क्रियान्वयन निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ये 22 सप्ताह की कार्य योजना है और इस योजना के तहत ही शिक्षण कार्य विद्यालय में सुनिश्चित किया जाए। समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एआरपी और शंकु शिक्षक के सहयोग से निपुण विद्यालय की कार्य योजना बनाते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। दसवां बिंदु, विद्यार्थी संबंध अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत पठन एवं कहानी की गतिविधियों को संपन्न कराएं। ये कार्यक्रम अभी हर सप्ताह चल रहा है और ये 45 डेज का रीडिंग कैंपेन भी चल रहा है। इस कैंपेन के तहत आपको कहानियाँ आती हैं कक्षा 1 से लेके 8 तक, तो इनको भी व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रेषित करें। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में जनपद के प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, लेकिन जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा ही प्रस्तुतिकरण राज्य स्तर पर किया जाएगा। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय दोनों के द्वारा प्रतिभागिता की जाएगी अपने मॉडल
के साथ ये राष्ट्रीय आविष्कार की परीक्षाएं समस्त जनपदों में लगभग संपन्न हो चुकी होंगी। अब राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी संपन्न होना शेष है। तो ये साथियों जो प्रथम स्थान जनपद स्तर से बच्चे पाए हैं वही आपके राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में प्रतिभाग करेंगे अपने मॉडल के साथ। तो ये साथियों महत्वपूर्ण निर्देश थे, इन बिंदुओं को आप अपनी डायरी पर नोट कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है विजिट में। और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।